शहरीत तरमीम में कानून के खिलाफ मुदखेड़ तहसील दफ्तर के रूबरू एक रोजा एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया। NRC, CAA और NPR के खिलाफ मुदखेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर कुल जमाती तहरीक के जिम्मेदारान और मकामी उलमाए कराम के अलावा सियासी कायदीन ने आवाम से खिताब किया। धरने में आज़ादी का मारूफ नारा गूंजता रहा। धरने में सियासी, समाजी, मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा बरादरान वतन ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शिरकत की। धरने के जिम्मेदारान ने एक वफ्द की शक्ल में तहसीलदार को मेमोरेंडम सौंपा। इस धरने को कामयाब बनाने में मुदखेड़ के तमाम ही सियासी, समाजी, मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान और नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बोलो, अरे जवान भी बोलो, सब मिलके बोलो। जामिया तुम संघर्ष करो, जामिया तुम संघर्ष करो, जेएनयू तुम संघर्ष करो, जेएनयू तुम संघर्ष करो। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर NRC, CAA और NPR को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है और पूरा मुल्क परेशान है और शायद ही मुल्क का कोई हिस्सा होगा जहां पर इनके खिलाफ एहतजाजात ना हो रहे हों। हमारे शहर नांदेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बहुत मुनज़्ज़म अंदाज़ में एक काम कुल जमाती तहरीक की तरफ से चल रहा है। मुस्तकिल शाहीन बाग की तर्ज पर नांदेड़ में धरना भी हो रहा है, लेकिन कुल जमाती तहरीक के निगरानी में और उसकी जो है तो सरपरस्ती में पूरे ताल्लुक़ जात में भी इसी नौयत के काम हो रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर मुदखेड़ में आए हुए हैं। मुदखेड़ में NRC और NCR और इसी तरह NPR के ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया और अभी धरने के बाद एक इजलास भी रखा गया जिसमें मुदखेड़ के आवाम को इससे आगाह किया गया कि NRC क्या है, NPR क्या है और इसी तरह उसके नुकसान क्या क्या है। और एक अच्छा जोश है और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ हमारे मुल्क के दूसरे जो बिरादरान वतन है, दलित और सिख और इसी तरह हिंदू भाई भी यहाँ पर मौजूद है और सब ये आज़म कर रहे हैं कि जब तक हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं लेगी मुल्क के अंदर के इन धरनों और एहतजाजों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से नांदेड़ के तमाम ताल्लुकाजात में NRC, NPR के ताल्लुक से मुसलसल मुहिम चालू है और इसी ज़मन में नांदेड़ से एक टीम जिसमें मुफ्ती अब्दुल असीफ़ साहब, क़िबला क़ादरी, मौलाना आसिफ़ साहब नदवी और मैं, हम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस सिलसिले में लोगों को आगाह भी किया गया और बड़ा कामयाब यहाँ का प्रोग्राम रहा जिसमें मुसलमानों के साथ में दीगर बिरादरान वतन भी शामिल रहे। और हम इसके ज़रिए हुकूमत को पैगाम ही देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला जब तक ये काला कानून रद्द नहीं होता हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और आप तमाम से भी गुजारिश है कि आप मिलकर इसके खिलाफ लड़ें जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। आज बरोज़ 20 जनवरी 2016 को NRC और NPR और CAA के लिए एक एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया था जिसमें तमाम नांदेड़ से हमारे उलमाए इकराम ने तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये कानून हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जब तक वापस नहीं लेंगी हम इससे मुखालिफत करते रहेंगे और ये एहतजाज हमेशा के लिए जारी रहेगा।